हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंप कैफे एंड दिस इज मनोज कुमार ठाकुर। नाउ आई एम गोइंग अहेड विद रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ 11th क्लास। विद द हेल्प ऑफ दिस चैप्टर वी कैन balance the redox reactions, sorry, redox equations, chemical equations, and also we can calculate the oxidation number of compounds. तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि redox है क्या? redox, तो हम देख रहे हैं redox दो वर्ड से बना हुआ है, एक है हमारा रेड और दूसरा है ऑक्स। रेड मींस होता है रिडक्शन एंड ऑक्स मींस ऑक्सीडेशन, यानी जिस केमिकल रिएक्शन में ये दोनों प्रोसेस हो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उसको हम बोलेंगे रिडॉक्स। अ प्रोसेस इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, अब क्वेश्चन रह जाता है कि रिडक्शन या ऑक्सीडेशन खुद क्या चीज है। तो स्टार्टिंग क्लास से लेकर हम लोग कई सारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। जैसे ऑक्सीडेशन हम लोग लेते हैं तो प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनिगेटिव, एनी अदर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, एनी ऑक्सीजन एड हुआ तब भी ऑक्सीडेशन, एनी अदर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट एड हुआ तब भी ऑक्सीडेशन, और साथ में एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ तो भी ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो ये रहा हमारा बचपन का डेफिनेशन लोअर क्लासेस में, प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। रिडक्शन थी किसका उल्टा, ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन कर दीजिए, इलेक्ट्रोनिगेटिव की जगह इलेक्ट्रोपॉजिटिव कर दीजिए, स्पेस चेंज कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सॉरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो एक बेसिक डेफिनेशन, लेकिन इसमें जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट लेते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट में देखा जाए तो ऑक्सीडेशन कहलाता है इलेक्ट्रॉन लूज करना, क्या? इलेक्ट्रॉन लूजिंग, इलेक्ट्रॉन लूजिंग ऑक्सीडेशन एंड इलेक्ट्रॉन गेनिंग रिडक्शन। और थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई करिएगा आपके लेवल में तो आप देखते हैं ऑक्सीडेशन कहलाता है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए, यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए, प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, प्रोसेस in which oxidation number increases, oxidation number जिसमें बढ़ जाए, और जिसमें घट जाए उसको oxidation number decreases, उसको reduction। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जो
ऑक्सीडेशन का काम कर रहा है उसको क्या बोला जाएगा? तो जो ऑक्सीडेशन का काम करवा रहा है, करवाने वाला, उसको बोला जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब मैं बोल रहा हूं प्रोसेस ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो गेन करने वाला पहले से कहीं रहेगा, तब तो लूज करेगा। तो जो गेन कर रहा है वो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गेन करने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो गेन कर रहा है वो खुद रिड्यूस हो जा रहा है, क्योंकि गेनिंग क्या हो रहा है, रिडक्शन। गेन करने वाला खुद रिड्यूस हो जा रहा है, क्योंकि गेनिंग, रिडक्शन। सेम यदि गेन कर रहा है, गेनिंग यदि रिडक्शन, तो कोई लेने वाला चाहिए। जो लेने वाला है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वो हो गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वो हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। और जब वो ले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो गेनिंग रिडक्शन, लूजिंग ऑक्सीडेशन। लेने वाला कोई रहे तो दिया जाएगा, इसलिए हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है। यदि हम लोग हाइड्रोजन के कंसेप्ट पर देखें तो हाइड्रोजन देने वाला रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट। देने वाला जो हाइड्रोजन दे रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, यदि मैं यहां पर ऑक्सीजन के कंपेयर में देखूं तो जो ऑक्सीजन दे रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीजन देने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और हाइड्रोजन देने वाला रिड्यूसिंग एजेंट। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट में इलेक्ट्रॉन को लेने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इलेक्ट्रॉन को देने वाला रिड्यूसिंग एजेंट। हालांकि जब देगा, देने के बाद उसका इलेक्ट्रॉन क्या हो जा रहा है, लूज हो जा रहा है, तो खुद ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। तो सिंपल सा यदि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डेफिनेशन पूछे तो अ केमिकल विच ऑक्सीडाइजेस अदर एंड इटसेल्फ रिड्यूस, ऑक्सीडाइजेस अदर एंड इटसेल्फ रिड्यूस, नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यदि रिड्यूसिंग एजेंट का पूछे तो अ केमिकल विच रिड्यूसेस अदर एंड इटसेल्फ ऑक्सीडाइज, दूसरे को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज हो जा रहा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस हो जा रहा। तब मैं यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर लिया, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस। क्वेश्चन अराइज होता है कि ए ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअली में है क्या? तो ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअली में पार्शियल चार्ज होता है जो कंपाउंड के अंदर किसी एटम पे पाया जाता है। कह सकते हो पार्शियल चार्ज ऑन एटम विद इन द कंपाउंड इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का कुछ ट्रिक्स हैं, उस ट्रिक्स को हम लोग ध्यान में रखेंगे। लेकिन उसके पहले ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी में क्या डिफरेंस है? तो ऑक्सीडेशन नंबर हमने कहा पार्शियल चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर, और वैलेंसी इट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। इट मे बी नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव होल नंबर। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाई स्पेशल मेथड, और इसको कैलकुलेट किया जाता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। क्या होता है वैलेंसी? आइदर इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एट माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हालांकि वैलेंसी को हम दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जितना हाइड्रोजन एक एटम से कंबाइन करे वह उसका वैलेंसी है। एग्जाम्पल जैसे CH4
कार्बन चार हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है तो कार्बन का वैलेंसी 4। या फिर जितना ऑक्सीजन कंबाइन करे एक एटम से उसका ट्वाइस। तो मेरे पास एक फॉर्मूला है Al2O3। अब मैं यहां देख रहा हूं दो, यदि मैं देखूं कितना ऑक्सीजन एटम कंबाइन किया एक एटम से, तो दिख रहा है 2 एटम से 3 ऑक्सीजन एटम कंबाइन किया, तो 1 से कितना कंबाइन किया 3/2। अब मैं बोला कि जितना ऑक्सीजन कंबाइन करा उसका ट्वाइस, तो ट्वाइस ऑफ 3/2 क्या हो गया देखते हैं, ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स आ गया 3, मीन्स एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 है। और यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर एक स्पेशल टेक्निक से हम लोग निकालेंगे जिसके लिए कुछ एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर हमें रिमाइंड रखना पड़ेगा। तो चलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर यदि कोई चार्ज है तो वह चार्ज के इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू चार्ज, इक्वल टू चार्ज। जैसे Cl- माइनस है मीन्स -1, Na+ प्लस है मीन्स +1, O 2- है मीन्स 2-, SO4 2- है मीन्स टोटल SO4 का हो गया -2, NH4 प्लस टोटल NH4 का होगा +1। ओके, उसके बाद कुछ का लर्न रखना पड़ेगा, जैसे हाइड्रोजन का जनरली +1 होता है, -1 विथ एक्टिव मेटल, जैसे सोडियम से पोटेशियम से कैल्शियम से कंबाइन कर रहा है तो हाइड्रोजन -1 हो जाएगा। ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट हैं उन सबका +1, ग्रुप 2 में जितने भी हैं उनका +2, कुछ जैसे जिंक हो गया इसका +2, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यदि देखा जाए तो जनरली -2 होता है तो ऑक्साइड बोला जाता है, -1 हो गया तो परऑक्साइड हो गया, -0.5 हो गया तो यह हो गया सुपर ऑक्साइड, और कभी कभी -1/3 भी हो जाता है जिसको बोला जाता है ओजोनाइट। हैलोजेंस जनरली -1 होता है, कुछ का वेरिएबल होता है, और यदि एलिमेंट्री स्टेट है जैसे Cl2 तो यहां पर 0 एलिमेंट्री स्टेट, H2 यहां पर 0, N2 यहां पर 0, और नाइट्रोजन देखा जाए तो नाइट्रोजन का जनरली -3 होता है, हालांकि वेरिएबल भी होता है। तो इतने डेटा से हम लोग आसानी से किसी भी एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्रुप 1 का +1, ग्रुप 2 का +2, जिंक का +2, एल्युमिनियम का +3, और हैलोजन्स का जनरली -1, ऑक्सीजन का इतना सारा, नाइट्रोजन का -3, जनरली वेरिएबल भी हो सकता है नाइट्रोजन का। तो मैं देख रहा हूं अब ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाए। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए पहले मुझे एक कंपाउंड लेना होगा, देखते हैं वो कंपाउंड आपका कुछ भी हो सकता है। एग्जांपल हमारे पास सपोज H2SO4 है,
मैं सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहा हूं। तो जिसका निकालना है उसे एक्स लेना पड़ता है, नेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर बी एक्स। ओके, अब मैं हाइड्रोजन का देखूं तो हाइड्रोजन का प्लस वन मैंने कहा, लेकिन यहां टू हाइड्रोजन है तो इनटू टू करना पड़ेगा। सल्फर एक्स है, वन सल्फर है इनटू वन, ऑक्सीजन माइनस टू बट फोर ऑक्सीजन है इनटू फोर। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं नजर आ रहा, इक्वल टू जीरो। अब इसी को कैलकुलेट कर लेना है, टू प्लस एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू सिक्स प्लस सिक्स। सो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर आया प्लस सिक्स। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, बहुत आसान है किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। मैं ले रहा हूं पोटेशियम परमैंगनेट के एम एन ओ फोर, एम एन का निकालना है, जिसका निकालना है उसको एक्स एज्यूम करिए, लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एम एन बी एक्स। अब पोटेशियम, पोटेशियम ग्रुप वन में है तो प्लस वन होगा ऑलवेज, वन पोटेशियम है मल्टीप्लाइड बाई वन। मैग्नीज एक्स है, वन मैग्नीज मल्टीप्लाइड बाई वन। ऑक्सीजन माइनस टू, फोर ऑक्सीजन है मल्टीप्लाइड बाई फोर, कोई चार्ज नहीं है इक्वल टू जीरो। अब यहां से हम एक्स कैलकुलेट कर लेंगे, माइनस एट इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस सेवन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू सेवन। तो यहां मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ प्लस सेवन। बैलेंसिंग के लिए हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना ही पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा कि कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है, कौन रिड्यूस कर रहा है, और वह ऑक्सीडेशन नंबर ही बताएगा। उसके बाद फिर हम लोग बैलेंसिंग कर पाएंगे। जब तक ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट नहीं करना सीखिएगा आप लोग किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर पाइएगा रिडॉक्स के मेथड से, जिसमें आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड हो सकता है या फिर आयन इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज मेथड हो सकता है। हालांकि बैलेंसिंग का एक और तरीका है जिसको हम लोग कहते हैं अलजेब्रिकल मेथड। मैं उस मेथड को यहां पर डील कर दे रहा हूं अलजेब्रिकल, और जो रिडॉक्स के थ्रू बैलेंसिंग है वो आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करिए ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन का, क्योंकि हर एक मोड पे ऑक्सीडेशन नंबर आपको लगेगा। तो मैं चलता हूं बैलेंसिंग करने के लिए अलजेब्रिकल मेथड से। मेरे पास एक है KMnO4 और यह रिएक्शन किया H2HCl से, या बनाया KCl प्लस MnCl2 प्लस H2O प्लस O2। इसे मुझे बैलेंस करना, तो अल्जेब्रिकल मेथड से मैं कर रहा हूं। पहले मुझे एज्यूम करना पड़ेगा अल्फाबेटिकली, लेट ए KMnO4 प्लस बी HCl एरो शी KCl डी MnCl2 ई H2O एफ O2। बोथ साइड, अब एलिमेंट्स को हमें बराबर करना है
और इक्वेशन का फॉर्मेशन करना। जैसे पोटेशियम की भी मैंने देखा फॉर के लेफ्ट साइड में मेरा सिर्फ एक है ए और राइट साइड में भी सिर्फ एक है सी, दोनों को इक्वेट कर दिया। मैग्नीज को देखा तो लेफ्ट साइड में ए राइट साइड में डी, ऑक्सीजन देखा लेफ्ट साइड में 4A राइट साइड में E प्लस 2F, देखिए 2F। हाइड्रोजन देखा लेफ्ट साइड D राइट साइड 2E, और क्लोरीन देखा लेफ्ट साइड D राइट साइड C हुआ 2D हुआ, बस C और 2D। इनके हेल्प से अब मैं ABC का वैल्यू निकालूंगा। फॉर MN आप लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, फॉर ऑक्सीजन, फॉर हाइड्रोजन, फॉर क्लोरीन, ये मेंशन करना जरूरी नहीं है। अब मैं किसी एक को वन दे दूंगा, तो यहां पर A इक्वल टू वन मैंने लिया, तो मैं देख रहा हूं यदि A वन लिया तो C भी हमारा वन आ गया और D भी हमारा वन आ गया। C और D यहां भी मालूम है तो D भी हमारा निकल जाएगा, B इक्वल टू C का वैल्यू वन और D का वैल्यू वन, ये हो गया थ्री। अब B का वैल्यू जब है तो मैं यहां पर E का वैल्यू निकाल लूंगा। इस इक्वेशन से हम लोग क्या देख रहे हैं, 2E इक्वल टू D है, तो E इक्वल टू D बाई टू, B का वैल्यू हमारा आया 3 बाई टू। तो मैं यहां पर सारा वैल्यू भी दे रहा हूं, A आया 1, B आया 3, C आया 1, D आया 1 और E है 3/2। अभी F नहीं निकला, F के लिए हमें इस इक्वेशन को लेना पड़ेगा और मैं इसे रख कर रहा हूं। हमारे पास क्या है 4A 4 into 1 इक्वल टू E, E का वैल्यू है 3/2 प्लस 2F। इसको इस साइड लेते हैं 3/2 2F, माइनस किया 5 एलसीएम देकर एलसीएम 2, तो 1 2 2 2 4 8 2F, तो हो गया 5/2 2F और F निकाला तो आ गया 5/4। तो ABC का वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं और जस्ट यहां पे हमें पुट कर देना है। F का वैल्यू है 5/4, तो पुट करते हैं देखते हैं क्या मिलता है। A 1 है, 1 तो लिखा नहीं जाता। B 3 है, लिख दिया। C 1 है, नहीं लिखा जाता। D 1 है, नहीं लिखा जाता। E 3/2 है, 3/2 H2O। F 5/4 है, O2। अब इक्वेशन मेरा फ्रैक्शन में होता नहीं है, तो डेनोमिनेटर में जो टर्म्स हैं उनका एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई कर देना है। डेनोमिनेटर 2 है, 4 है, एलसीएम 4 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो गया 4KNO4 प्लस 4 3 12 HCl, 4KCl, 4MnCl2, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे
6H2O एंड 5O2। ये हो गया हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कितना ही बड़ा इक्वेशन क्यों ना हो, हम लोग आसानी से इस मेथड का यूज करके बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन ये मेथड रिडॉक्स में परमिटेड नहीं है, क्योंकि रिडॉक्स में मेथड का नाम कह देगा इस मेथड से आपको बैलेंसिंग करना, और अल्जेब्रिकल कहेगा नहीं, क्योंकि वह सिलेबस में है नहीं। हालांकि जो 9 और 10 वाले स्टूडेंट्स हैं वो आसानी से इस प्रोसेस का यूज करके बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में ऑक्सीडेशन नंबर लेकर कैसे बैलेंसिंग किया जाए उसको हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग आराम से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, अच्छा करिए, और अपने माता पिता का नाम ऊंचा करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।